बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जियोस्ट्रोम। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे की आवाज को सुनाया जाता है जो बताता है कि साल 2019 में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं यानी कि डिजास्टर्स हुए जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, परिंदों से जानवरों से उनके घर छिन गए और अब पूरी दुनिया का वातावरण भी बदल चुका है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है जिससे इंसानों की जान जा रही है। इस मुश्किल समय से लड़ने के लिए 27 मुल्क एक साथ हो गए और उन्होंने तय किया कि वो एक साथ मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। उन्होंने अपने खास वैज्ञानिकों की, खास लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम का लीडर होता है जेक। ये सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें फैसला करते हैं कि ये पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर एक सैटेलाइट भेजेंगे जो पृथ्वी पर होने वाले हर एक मौसम के बदलाव को और हर एक आने वाले डिजास्टर को पहले से मॉनिटर कर लेंगे ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन इंसानों तक पहुंचा सके। इस सैटेलाइट का नाम डच बॉय होता है। इस सैटेलाइट की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ न चीजों को मॉनिटर करती है बल्कि उन्हें कंट्रोल करके पूरी तरह से खत्म कर देती है, यानी कि इसके बाद धरती पर किसी भी तरह का अर्थक्वेक, तूफान, ठंड, गर्म कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं जो शंघाई में आने वाले एक बहुत बड़े बवंडर को पूरी तरह से कंट्रोल करके खत्म कर देती है, जिससे सबको खुशी तो होती है लेकिन यूएस गवर्नमेंट की जो कमेटी होती है वो जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उनकी इजाजत के बिना ही इस सैटेलाइट को ऑनलाइन कर दिया था। इस बात से यूएस गवर्नमेंट जैक से नाराज हो जाती है। जैक से सैटेलाइट के राइट्स मांगे जाते हैं। दरअसल जैक ने ही इस सैटेलाइट को बनाया है, वही इसका क्रिएटर है। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी दुनिया को ये सैटेलाइट्स बेचकर वो बहुत पैसा कमा ले, लेकिन जैक उन्हें राइट्स देने से मना कर देता है। इसीलिए जैक को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इस बात से जैक को बहुत दुख होता है। यहाँ पर जैक को ये पता चलता है कि उसके अपने भाई ने यूएस गवर्नमेंट की कमेटी को भड़काया है क्योंकि वो उससे जेलस है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। 3 सालों में धरती पर किसी तरह का कोई डिजास्टर नहीं होता, लेकिन 3 सालों के बाद अफगानिस्तान के रेगिस्तान में, जो हमेशा बहुत गर्म रहता था, यहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि लोग जमना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सैटेलाइट में किसी न किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी यूएस गवर्नमेंट की है। यूएस गवर्नमेंट की कमेटी की एक मीटिंग बैठती है जिसमें वो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट जैक ने बनाई है और वही इसे ठीक कर सकता है। उसके अलावा इस सैटेलाइट के बारे में किसी को भी डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट की कमेटी कहती है कि जैक को हम निकाल चुके हैं, हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर जैक का भाई भी होता है। वो कहता है कि मैं जैक को मना कर ले आऊँगा। इसके बाद वो जैक के पास जाता है और जैक से वापस टीम में शामिल होने के लिए कहता है। शुरू में जैक मना कर देता है, लेकिन वो जैक से कहता है कि इस सैटेलाइट को तुमने बनाया है, पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रिएटर तुम ही हो। अगर इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या खराबी आती है तो सारा ब्लेम तुम ही पर आएगा। जैक उसकी बातों में आ जाता है और एक बार फिर से वो यूएस गवर्नमेंट की टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल जैक ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम डच बॉय है, ये एक बहुत बड़ी सैटेलाइट है। इसके साथ बहुत छोटी छोटी बहुत सारी सैटेलाइट्स जुड़ी हुई हैं जो हर एक देश के लिए अलग है। जैक की एब्सेंस में सैटेलाइट में एक वैज्ञानिक सैटेलाइट का डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि सैटेलाइट में क्या प्रॉब्लम है। वो सारे डेटा को एक हार्ड ड्राइव में डाल देता है, पर गलती से उसका हाथ एक बटन पर लग जाता है जिससे सैटेलाइट का एक दरवाजा खुल जाता है और वो अंतरिक्ष में चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं हांगकांग में दिखाया जाता है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर एक आदमी के हाथ से अंडा गिरता है और जैसे वो फटता है उस अंडे का ऑमलेट बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर कितनी गर्मी है। और इसके बाद यहाँ ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। ज़मीन के अंदर से लावा निकल रहा होता है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। हांगकांग का वो आदमी जो हांगकांग की सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, वो जैक के भाई को कॉल करता है और उसे मेन सैटेलाइट यानी कि डच बॉय को चेक करने के लिए कहता है। जब वो डच बॉय में अपना एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उसके एक्सेस को डिनाई कर देती है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी होते हैं वो सबके एक्सेस को डिनाई कर देती है, यानी कि सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया है।
और अगर जल्द से जल्द इन्होंने सैटेलाइट को अपने एक्सेस में नहीं लिया, उसे ठीक नहीं किया, तो पूरी की पूरी दुनिया में इसी तरह के डिजास्टर होंगे। और इसके बाद आएगा जियोस्ट्रोम, जिसके बारे में ज्योग्राफी में सभी ने पढ़ा होगा। ये एक ऐसा तूफान है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी न कभी जियोस्ट्रोम इस धरती पर आएगा और पूरी धरती खत्म हो जाएगी। वहीं हांगकांग के उस आदमी को दिखाया जाता है जो जैक के भाई से बात कर रहा था। उसके ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, वो उन्हें देख कर छुप जाता है। वो लोग उसका सारा डेटा चुरा कर यहाँ से ले जाते हैं, यानी कि वही हैकर हैं जिन्होंने सैटेलाइट को हैक किया है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को छोड़कर एक बार फिर से यूएस की उसी कमेटी के सामने आ जाता है जिस कमेटी ने उसे इसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। वो जैक से कहते हैं कि सैटेलाइट को बदलते हुए हमारा एक आदमी मारा गया था, तुम्हें पता करना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई, साथ ही अफगानिस्तान और हांगकांग में जो कुछ हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है। जैक को उसका काम समझ में आ जाता है। इसके बाद जैक हर एक देश की अलग अलग सैटेलाइट को चेक करना शुरू कर देता है। हर एक सैटेलाइट पूरी तरह से ठीक होती है, पर यहाँ पर जैक को पता चलता है कि जो मेन सैटेलाइट है उसे जानबूझकर इस तरह से कंट्रोल किया गया है कि अफगानिस्तान में ठंड बढ़ जाए और हांगकांग में गर्मी। लेकिन जैक को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो रहा है। वहीं हांगकांग का वो आदमी जिसके ऑफिस से कुछ लोगों ने डेटा चुराया था, वो जैक के भाई को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में मिलूंगा, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैक का भाई अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वो आदमी जैक के भाई से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी कोई जानबूझकर उसे गाड़ी के आगे धक्का दे देता है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक का भाई उस तक पहुँच जाता है। वो जैक के भाई को कुछ शब्द बोलता है जो कि वो शब्द होते हैं जिससे पता चल सकता है कि वो हैकर्स कौन है। इसके बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जैक को पता चलता है कि पिछली बार जब अफगानिस्तान के सैटेलाइट को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही थी तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने सैटेलाइट का डेटा हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था, पर एक्सीडेंटली वो स्पेस में चला गया था। जैक उसे रिकवर कर लेता है और अब उसके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि जो उनका सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसका नाम डच बॉय है, उसके अंदर वायरस डाला गया है। साथ ही यहां पर सभी की लॉगिन आईडी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अंदर इस तरह का वायरस डाला होता है कि जानबूझकर सैटेलाइट्स को एक कमांड दी जाए कि वो अलग अलग जगह के टेम्परेचर को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे या पूरी तरह से कम कर दे। इसीलिए हांगकांग और अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। जैक को यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट पर शक होता है। वो अपने भाई से मिलता और उसे बताता है कि मुझे पता है कि इसके पीछे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। इसीलिए वो सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दूसरे देशों को तबाह कर रहा है। धीरे धीरे वो सभी देशों को तबाह कर देगा और इस दुनिया में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसके आगे झुकेंगे, यानी कि वो अपने आप को, अपने देश को और सिर्फ उन लोगों को छोड़ेगा जो उसकी आधीनता को स्वीकार करेंगे। हालांकि जैक का भाई उसकी बात से कन्विंस्ड नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बारे में पता करूंगा। इसके बाद जैक का भाई एक हैकर से मिलता है और जो इन्फॉर्मेशन हैकर उसे देता है इससे जैक का भाई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल जैक पूरी तरह से ठीक था, वो इस सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि धीरे धीरे दूसरे देशों को तबाह करके कमजोर किया जा सके। जैक के भाई को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल हाथ है। वहीं जैक को सैटेलाइट का एक नोटिफिकेशन आता है जिससे जैक को पता चलता है कि जो उनकी मास्टर सैटेलाइट है डच बॉय, अब वो किसी भी सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं करती और धीरे धीरे पूरी धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जैक यहाँ पर प्लान बनाता है क्यों ना डच बॉय को दोबारा से रीसेट कर दिया जाए, पर इसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट की एक्सेस की जरूरत होगी, यानी कि उनके बायोमेट्रिक्स के बिना इसे रीसेट नहीं किया जा सकता। और इस वक्त प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक्स इन्हें नहीं मिल सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए बाहर गए होते हैं। जैक अपने भाई को ये बात बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने ये जानबूझकर किया है। अब उसके भाई को भी उस पर यकीन हो जाता है और वो प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देता है। जैक का भाई बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो अपने सीनियर के पास जाता है और उसे कहता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, ये जो कुछ किया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है।
उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें बात कैसे पता चली, और उसके मुंह से इस प्रोजेक्ट का नाम निकल जाता है। जैक का भाई समझ जाता है कि इसके पीछे यही सब लोग हैं। अब उस सीनियर ऑफिसर को भी पता चल चुका है कि जैक के भाई को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो उसे एक दूसरी जगह ले जाता है ताकि उसे मार सके। जैक का भाई ये बात समझ गया होता है, इसीलिए एक रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और तब तक वहीं रहता है जब तक उसका सीनियर वहां से चला नहीं जाता। इसके बाद जैक का भाई एक लड़की के पास जाता है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ एक एजेंट भी होती है। जैक का भाई उसे बताता है कि यहाँ पर सैटेलाइट्स के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है वो हमारे सीनियर ने, हमारे लीडर ने की है, और वो प्रेसिडेंट को भी मारना चाहता है क्योंकि वो उनसे जेलस है। शुरू में हमें लगा था कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलती थी। हमें प्रेसिडेंट को किसी तरह से बचाना होगा। तुम उनकी सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम इसमें हमारी मदद कर सकती हो। दरअसल प्रेसिडेंट की एक स्पीच होती है और अब ये सब के सब उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाती है और वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की प्रेसिडेंट को गाड़ी में ले आती है, जहाँ पर जैक का भाई, जैक और प्रेसिडेंट और ये लड़की चारों होते हैं। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट को सारी बात समझाते हैं। प्रेसिडेंट को बात समझ में आ जाती है कि इस सब के पीछे जैक के भाई का बॉस, जिसका नाम लियोनार्ड है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसका दिमाग है। अब लियोनार्ड के आदमी यहाँ पर प्रेसिडेंट की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी बिजलियां चमक रही होती है और ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि जल्द ही जियोस्ट्रोम आने वाला है। सब यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जैक अपनी सैटेलाइट में जाता है जो कि सबसे बड़ी मदर सैटेलाइट है। वो दरअसल सबको यहाँ से निकालना चाहता है क्योंकि सैटेलाइट में उसने एक ऐसा ऑटो फंक्शन जनरेट किया था जिससे अगर जियोस्ट्रोम आए या सैटेलाइट में वायरस आ जाए या पूरी तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सैटेलाइट अपने आप ही ब्लास्ट हो जाए। यहाँ पर जैक को ये पता चल जाता है कि सैटेलाइट के अंदर वायरस किसने डाला था। दरअसल लियोनार्ड ने उसे पैसों का लालच दिया था, इसीलिए वो उसकी बातों में आ गया था। अभी लड़का जैक के ऊपर गन तान देता है, लेकिन जैक उसे एक पंच मार कर गिरा देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ के चलते उस लड़के का हाथ एक बटन पर लग जाता है जिससे एक दरवाजा खुल जाता है और ये लड़का ठीक उसी तरह से, जिस तरह से पहले एक आदमी अंतरिक्ष में चला गया था, ये भी अंतरिक्ष में चला जाता है। अब जैक भी अंतरिक्ष की तरफ खींचा चला जा रहा होता है और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और जैक की जान बच जाती है। अब इन सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पृथ्वी पर चारों तरफ तबाही हो रही है, पृथ्वी खत्म होने की कागार पर है। जैक के साथी बोलते हैं कि हम सबको पृथ्वी पर जाकर अपने लोगों को बचाना होगा, यहाँ से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैक कहता है तुम सब जाओ, मैं यहीं पर रहकर इस सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि लियोनार्ड, जिसने इस पूरी सैटेलाइट के अंदर वायरस डलवाया था, उसे वो एजेंट पकड़ लेती है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी है। प्रेसिडेंट लियोनार्ड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल लियोनार्ड उसका खास आदमी था। लियोनार्ड कहता है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था, तुम प्रेसिडेंट की कुर्सी को डिजर्व नहीं करते। प्रेसिडेंट कहता है कि इसे मेरे सामने से दूर ले जाओ। लियोनार्ड को अब अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट को उस जगह ले जाया जाता है जहां पर डच बॉय सैटेलाइट का पूरा रीसेट रीस्टार्ट करने का फंक्शन है। प्रेसिडेंट अपनी बायोमेट्रिक एक्सेस से एक बार फिर से सैटेलाइट को रीसेट कर देते हैं और इस जगह से चले जाते हैं। और जैक ने जब इस सैटेलाइट को बनाया था तो उसने इसके अंदर एक खास फंक्शन को डाला था जिसके मुताबिक अगर कभी भी इस सैटेलाइट को किसी भी खतरे का आभास हुआ तो ये अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगी। और अब ये उस मोड में जा चुकी होती है और अगले 8 मिनट्स के अंदर ये ब्लास्ट होने वाली है। वहीं सैटेलाइट इन्हें अलर्ट भी देती है कि 4 मिनट में धरती पर जियोस्ट्रोम शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। कुछ ही मिनट्स के बाद दिखाया जाता है कि धरती पर जियोस्ट्रोम शुरू हो जाता है और अब जैक और उसके साथी जो अभी भी सैटेलाइट के अंदर है, जिसका नाम डच बॉय है, वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं। वो एक कैप्सूल में बैठकर उस सैटेलाइट से निकल जाते हैं और उनके निकलने के बाद सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। जैक और उसके साथी सुरक्षित तरीके से धरती पर लैंड कर जाते हैं। इन दोनों की जान बच जाती है। सैटेलाइट अब ब्लास्ट हो चुकी है, इसीलिए धरती पर जितने भी तूफान होते हैं सब बंद हो गए होते हैं, क्योंकि सब उसी मशीन, उसी सैटेलाइट की वजह से हो रहे थे। इस घटना के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि जैक को एक बार फिर से उसका सम्मान, उसकी पोजीशन वापस मिल गई है। जिस तरह से पहले वो डच बॉय का हेड
इंजीनियर था, एक बार फिर से वो हेड इंजीनियर बन चुका है और अब इस पूरे प्रोजेक्ट को यूएस कंट्रोल नहीं करता बल्कि इसे इंटरनेशनल कमेटी कंट्रोल करती है। जैक का भाई जो पहले उसके खिलाफ था, अब वो भी उसके साथ हो चुका है। जैक का किरदार हमें सिखाता है कि इंसान के अंदर अगर धैर्य, ईमानदारी और अपने काम के प्रति लगन हो तो उसे इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे इंसान न सिर्फ जीवन में तरक्की करते हैं बल्कि वो दुनिया की भलाई भी करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जियोस्ट्रोम की। ये मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी, पर इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो अपने वक्त से 2 साल आगे की कहानी है। इस मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का बजट था $120 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $221.6 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।